student of class 11 science. Thermal property of matter. Here the candle, the heat, the thermal means heat, amount of heat which I am going to receive. So in this particular topic, we are going to discuss the thermal expansion and a specific heat capacity, etc., etc., etc. All these things we are going to discuss in this particular topic. Now, the recapitulation, heat, the meaning of heat and temperature and scale of measurement of temperature. What is the meaning of heat? The form of energy. Form of energy which gives sensation of hotness or coldness. Right? Temperature, a degree of hotness of coldness. Degree of hotness or coldness or coolness. And temperature is the physical quantity which gives you the idea that heat is flowing from which object to which object. So this is the indicator. In fact, say here the two objects, ye maan lete hain do object hai, object A, object B A ka temperature jyada hai B ke temperature se, to heat ka flow kidhar se kidhar hoga, higher to lower. To kyunki temperature jyada hai isliye hum bol sakte hain ki heat or amount of energy ka flow kidhar se kidhar hoga, A to B, B to A nahi hoga. So that the temperature. Now scale of temperature measurement. Recapitulation जरूरत है इसका, आगे इसका यूज है, ये सब प्रीवियसली पढ़ा हुआ है. स्केल्स ऑफ टेम्परेचर कौन कौन सा होता है? डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फारेनहाइट, रोमर स्केल, केल्विन स्केल, ये सब होता है. सो डिफरेंट स्केल्स. एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, सेंटीग्रेड बाय 100 इज इक्वल टू एफ माइनस 32 बाय 180 इज इक्वल टू आर बाय 80. यहां पर ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है. हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फारेनहाइट में या रोमर स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं ये सिंपल रिलेशन से. ये सब तो मालूम है, 100 डिवीज़न होता है इसमें, फारेनहाइट स्केल में 180 डिवीज़न होता है, रोमर स्केल में 80 डिवीज़न होता है. ये सब तो प्रीवियस नॉलेज है, मालूम है. और अगर केल्विन जो कि ऐसा ही यूनिट है टेम्परेचर का, वो तो यहाँ पर मैंशन नहीं है. केल्विन के लिए अगर डिग्री सेंटीग्रेड मालूम है तो उसमें हम 273.16 होता है, अप्रॉक्सीमेटली 273 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा क्या, इतना केल्विन. जैसे एग्जांपल, इफ आई एम गोइंग टू से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो ये कितना हो जाएगा, 100 प्लस 273, ये हो गया 373 केल्विन. राइट, एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं, 273.16 होता है. तो एनीवे, this is the way how we are going to measure the temperature. Usually जो हम लोग lab thermometer होता है, clinical thermometer होता है, तो lab thermometer का क्या use है, clinical thermometer का क्या use है, सब हमको हम लोग को मालूम है. Okay, now comes to the important topic, thermal expansion. Almost all the substance, solid, liquid and gases, expands on heating. मतलब क्या है, मतलब यह है जितना भी solid है, liquid है, gas है, सब expand होता है. Heat जब करेंगे तो सब expand होता है.
Now this, there are three types of expansion. Depending on the size of the object. ऑब्जेक्ट के साइज पर डिपेंड करता कि वो टू वन डायमेंशनल है, टू डायमेंशनल है, थ्री डायमेंशनल है. तीन तरह का एक्सपेंशन होता है. नंबर वन, फर्स्ट को बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन. लीनियर एक्सपेंशन, अब ये देखना है लीनियर एक्सपेंशन क्या है. मान लेते हैं एक यहां पर एक रॉड, एक थिन रॉड है, उसका ये लेंथ है, लेंथ है एल नॉट. ये क्या है? मेटालिक रॉड. राइट, मेटालिक रॉड जिसका लेंथ क्या, ओरिजिनल लेंथ कितना है? एल. अभी हम इसको हीट नहीं किए. अब इसके इसके में क्या करते हैं? हीटिंग करते हैं. हीट एनर्जी या एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं. तो इसका लेंथ मान लेते हैं अभी हो गया, ऐसे करके इसका लेंथ बढ़ जाएगा, एक्सपैंड हो गया, क्योंकि ये वन डायमेंशनल है. हम लेके चलते हैं कि इसका लेंथ वाइज एक्सपेंशन हो रहा है. तो लेंथ वाइज एक्सपेंशन हुआ, इसको इसका टेम्परेचर बढ़ा है, तो वो एक्सपैंड किया. सब मॉलिक्यूल्स अपना धीरे धीरे ऑसिलेट करना शुरू करता है और फिर अल्टीमेटली वो क्या करेगा, एक्सपेंशन होता है. तो ये लीनियर एक्सपेंशन, ये इसका ये कितना बढ़ा मान लेते हैं डेल एल. डेल एल इसका क्या है? चेंज इन लेंथ, इतना से इतना जो लेंथ में चेंज हुआ है. और पूरा जो लेंथ है यहां से लेकर यहां तक, अभी हम लोग मान लेते हैं ये एल है. तो डेल एल जो जो चेंज इन लेंथ है, दैट इज योर क्या हो जाएगा, एल माइनस एल नॉट. राइट, एल माइनस एल नॉट इतना. तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया, क्या देखा गया एक्सपेरिमेंटली, जब साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट किए तो ऐसा देखा गया, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट एल माइनस एल नॉट, दैट इज अ चेंज इन लेंथ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ एंड चेंज इन टेम्परेचर. ये क्या है? ओरिजिनल लेंथ एल नॉट. ये क्या है? डेल्टी. चेंज इन टेम्परेचर, इसको बोलेंगे क्या? चेंज इन टेम्परेचर. चेंज इन टेम्परेचर. तो इसको अब हम लोग यहां पर ऐसा लिख सकते हैं, एल माइनस एल नॉट, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का साइन हटा के एक कॉन्स्टेंट देते हैं. ये कॉन्स्टेंट होता है अल्फा. ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का साइन है, ये अल्फा एल नॉट डेल्टी. सब चीज क्लियर है? ये क्या है? चेंज इन लेंथ, जो डेल एल को रिप्रेजेंट कर रहा था. चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल नॉट एंड डेल्टी. तो उसको फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हम हटा के क्या किए, अल्फा. अल्फा को क्या बोलते हैं? ये अल्फा को बोला जाता है कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. लीनियर एक्सपेंशन. अब हम लोग इसको अरेंज करते हैं. तो एल हो जाएगा, एल नॉट को उधर लेके आए तो ये कितना हो जाएगा यहां पर, एल नॉट विद इन ब्रैकेट वन प्लस अल्फा डेल्टी. इधर लाएंगे तो फिर एल नॉट कॉमन ले लिए, इतना हुआ एल इज इक्वल टू एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टी. ये एक फर्स्ट इक्वेशन आया लीनियर एक्सपेंशन का. अब यहां पर जो अल्फा है कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, उसको अगर देखते हैं तो ये क्या होगा, यहां पर इसका यूनिट क्या होगा, यहां से हम निकाल सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू एल माइनस एल नॉट बाय एल नॉट डेल्टी. कोई पूछेगा ये अल्फा कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का यूनिट क्या होगा, तो यहां पर ये तो लेंथ का यूनिट हुआ, ये भी लेंथ का है, तो लेंथ का कैंसिल, केवल टेम्परेचर का यूनिट.
तो इसका यूनिट हो जाएगा केल्विन टू द पावर माइनस वन, अगर केल्विन में ले रहे हैं, ये केल्विन टू द पावर माइनस वन, ये इसका यूनिट हो जाएगा, दैट इज अ लीनियर एक्सपेंशन. सेकेंड वन इज द सुपरफिशियल और एरियल एक्सपेंशन, दिस इज एप्लीकेबल फॉर टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट. लाइक फॉर एग्जाम्पल प्लेट, आई हैव टेकन अ प्लेट एंड इट्स एरिया इज ए नॉट, ओरिजिनल एरिया. नाउ आई एम प्रोवाइडिंग द हीट, देन इट एक्सपैंड इन ऑल डायरेक्शंस, मीन्स इट्स एरिया इज एक्सपैंडिंग, एरिया इज एक्सपैंडिंग. सो ओरिजिनल एरिया इज ए नॉट. नाउ आफ्टर वर्ड, आफ्टर प्रोवाइडिंग अ हीट एंड द टेम्परेचर इंक्रीजेस टू डेल्टी, देन द एरिया ऑफ दैट आफ्टर एरिया और द एरिया आफ्टर द एक्सपेंशन इट विल बी ए, एंड द लेंथ ऑफ दिस इज एल नॉट, वी हैव टेकन अ स्क्वायर. नाउ अगेन एक्सपेरिमेंटली इट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड, ये क्या ऑब्जर्व किया गया कि चेंज इन एरिया, दैट मीन्स ए माइनस ए नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल एरिया एंड चेंज इन टेम्परेचर. सिमिलरली जैसा पहले वाला केस में था जो लीनियर था, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस ए नॉट इज इक्वल टू, यहां पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन का साइन को रिमूव करेंगे तो एक कॉन्स्टेंट देना होगा, यहां कॉन्स्टेंट देते हैं बीटा ए नॉट डेल्टी. तो ये हो गया, ए को यहाँ इस तरफ छोड़ के ए नॉट को उधर करेंगे, ए नॉट कॉमन लेंगे, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, ए नॉट विद इन ब्रैकेट वन प्लस बीटा डेल्टी. ये सेकेंड इक्वेशन आया, जहां बीटा को बोलते हैं, बीटा इज योर कोफिशियंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, सुपरफिशियल और एरियल एक्सपेंशन. सुपरफिशियल और एरियल एक्सपेंशन, इसका भी वही, यहां पर भी यूनिट वही होगा, केल्विन टू द पावर माइनस वन और डिग्री सेंटीग्रेड टू द पावर माइनस वन, वही होगा इसका यूनिट. ये सेकेंड टाइप का एक्सपेंशन होता है, अगर ऑब्जेक्ट का हम एक्स और वाई कंसिडर कर रहे हैं. थर्ड वन इज योर वॉल्यूम और क्यूबिकल एक्सपेंशन, से दिस मेटेलिक क्यूब दैट इज एप्लीकेबल फॉर थ्री डायमेंशन. वॉल्यूम और क्यूबिकल एक्सपेंशन में क्या है, यहां पर ये मेटेलिक क्यूब लिए जिसका वॉल्यूम है वी नॉट, ठीक है. अब इसको हीट कर रहे हैं, इसको हीट करेंगे तो पूरा थ्री डायमेंशनल वॉल्यूम इसका एक्सपैंड हो रहा है, तो एक्सपैंड होकर इसका वॉल्यूम मान लेते हैं वी हो गया. V नॉट क्या था, ओरिजिनल वॉल्यूम, एक्सपैंड होके V हो गया, तो चेंज इन वॉल्यूम डेल V दे सकते हैं, और वो क्या हो गया, V माइनस V नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगेन एक्सपेरिमेंटली टू द ओरिजिनल वॉल्यूम एंड चेंज इन टेम्परेचर. पहले का टेम्परेचर उसके बाद में टेम्परेचर, तो बाद वाला टेम्परेचर माइनस पहले वाला टेम्परेचर, दैट इज डेल टी. तो यहां पर भी बिल्कुल वैसे ही, वी इज माइनस वी नॉट इज इक्वल टू, एक कॉन्स्टेंट देना होगा, यहां कॉन्स्टेंट देते हैं गामा वी नॉट इंटू डेल्टी. सो दैट इज योर वी इज इक्वल टू वी नॉट को इस तरफ करेंगे तो क्या होगा, वी नॉट कॉमन आ गया, वन प्लस गामा डेल्टी. ये थर्ड इक्वेशन आया, जहां गामा जो है इसको बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन या सुपर वॉल्यूम एक्सपेंशन. इसका भी यूनिट वही होगा, इसका भी यूनिट क्या होगा, डिग्री सेंटीग्रेड टू द पावर माइनस वन और केल्विन टू द पावर माइनस वन. अब ये यहां पर हम क्या देख रहे हैं
कंक्लूजन तो अल्फा हमको मिला, अल्फा एक कांस्टेंट है, क्या है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, एंड गामा मिला कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। कोई पूछेगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस, तो अल्फा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बीटा एंड गामा इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ अल्फा, बीटा इज इक्वल टू इन फैक्ट ये होगा बीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फा एंड गामा इज इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ अल्फा, ये होता है बीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फा, गामा इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ अल्फा। अगर हम लोग रेशियो लेते हैं अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा का, ये कितना आएगा 1:2:3, ये इसका रेशियो होता है अल्फा 1 बीटा 2 गामा 3, राइट। तो दिस इज द रेशियो, बीटा इज इक्वल टू ट्वाइस अल्फा, गामा इज इक्वल टू थ्री अल्फा, अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इज इक्वल टू 1:2:3, राइट। दिस इज अ रिगार्डिंग एक्सपेंशन, ओके।